रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान शनि को सबसे अधिक क्रोध वाला देव माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस भी इंसान के ग्रहों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव पड़ जाता है तो उस इंसान के जीवन में मुसीबतों का आना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही शनिदेव हमारे ग्रहों पर बुरा प्रभाव डालें। बता दें कि शनिदेव जब भी किसी के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उस इंसान का समय बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को खुश करना काफ़ी ज़्यादा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को खुश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिस इंसान पर भी शनिदेव मेहरबान हो जाती है तो उसकी तो जैसे किस्मत ही चमक जाती है, उनकी किस्मत में पैसा आने वाला होता है। शनिदेव का प्रकोप भी जब किसी पर पड़ता है तो उस दिन से उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। बता दें कि जब शनिदेव किसी पर मेहरबान होती हैं तो उसकी किस्मत ऐसी चमकती है कि बस उन लोगों के जीवन में खुशियों की लहर आ जाती है। आपको बता दें कि अब 21 साल बाद एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जिससे शनिदेव ऐसी 5 राशियां हैं जिन पर अपनी विशेष कृपा बनाने वाली हैं। आज हम आपको इस वीडियो में उन्हीं 5 राशियों के बारे में बताने जा रही हैं जिन पर शनिदेव ने अपनी कृपा बनाई है। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। बता दें कि सबसे पहले मेष राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि के लोगों के लिए शनिदेव आज से 21 साल तक मेहरबान रहने वाली हैं। आपके घर में इस दौरान धन की वर्षा होगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनके दिन अब सही हो जाएंगे, आय कमाने के नए रास्ते आपके खुलेंगे। आपको इस दौरान संतान से जुड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। दोस्तों बता दें कि अगली जो राशि है वह है कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों बता दें कि अगली राशि है कर्क राशि। जी हाँ, बता दें कि कर्क राशि के लोगों पर भी शनिदेव अपनी विशेष कृपा बनाए रखने वाली हैं। भगवान शनि की कृपा आपके परिवार में सुख और शांति का माहौल बनाकर रखेगी। आपके घर के कलेश दूर होंगे। अगर आपका कोई धन कहीं फंस गया हो तो वह आपको वापस मिल सकता है। प्यार के मामले में भी आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। छात्रों को इस दौरान परीक्षा में सफलता मिलेगी। बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है और आप अपनी मंजिल को पा सकती हैं। दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि। बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के लोगों के लिए अगले 21 साल तक काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफ़ी मेहरबान रहेंगे। इस राशि के लोगों को काफ़ी धन लाभ अब होने वाला है और आपके घर में अब खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपकी सभी इच्छाएं भी पूरी होंगी। दोस्तों अगली राशि है मकर राशि। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि अब अगर मकर राशि वालों की हम यहाँ पर बात करें तो इन जातकों के लोगों के लिए ये काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। इन जातकों के लोगों को धन का लाभ होगा और अपने पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात होगी। इस दौरान आप नए आभूषण, वाहन और संपत्ति भी खरीद सकती हैं। आपकी आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाली हैं। दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये संयोग बहुत ही शुभ होने वाला है। इस राशि
राशि के लोगों का अब भाग्य बदलने वाला है। घर में हो रहे तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा और परिवार में सुख और शांति का माहौल आपके बना रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस दौरान सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ भी होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।